ममता की बहू शुची हर बात पर चिक-चिक करती, जो ममता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू, तेरे में कोई कमी नहीं है, सारा काम भी तू बहुत अच्छे से करती है, लेकिन ये तेरी जो जबान है ना, बड़ी कैची की तरह चलती रहती है, जो तेरा सारा काम बिगाड़ कर रख देती है। वाजी वाह, मतलब आप लोगों को बेजुबान बहू चाहिए थी, जो ना बोले ना बात करे, और आप लोग बस जुल्म ढाते रहे। तभी वहाँ क्षितिज आ जाता है। अरे, ऐसा क्या जुल्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर? माँ सही कह रही है, मैं खुद तुम्हारी चलती जुबान से परेशान हो गया हूँ। अब तो शुची का पारा सातवें आसमान पहुँच जाता है। वाजी वाह, अब आप भी, क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आप भी अपनी माँ की जुबान बोलने लगे। अरे यार, कैसी बात बोल रही हो, माँ की जुबान बीवी के जुबान, अरे मेरी तो कोई जुबान है ही नहीं। जैसे देखो शुची, माँ से बुरा व्यवहार मैं पसंद नहीं करूँगा। अब क्या था, माँ के सामने अपनी हुकूमत कम होती देख शुची को माँ से नफरत होने लगती है। अगले दिन शुची माँ के कमरे में जाती है। माँ, ये लीजिए गरम पानी। पानी रखकर वो चली जाती है, लेकिन जैसे ही माँ गरारा करने लगती है, हाय रे, मैं तो जल गई, अरे पानी इतना गरम क्यों दिया शुची, मेरा तो पूरा का पूरा मुंह ही जल गया। वाह, मजा आ गया, लग रहा है गरम पानी ने अपना काम कर दिया, अब और लगो ना मेरे मुंह। शुची, माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही है, और तुम कैसी हो कि जाती भी नहीं, देखती भी नहीं कि माँ को क्या हो गया। आवाज तो आपको भी आ रही है, जा तो आप पी सकते हैं, लेकिन नहीं, शुची ने तो जैसे सारे काम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तुम्हारे परिवार से। ये कहकर शुची माँ के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसती है, माँ जल्दी से शुची को पकड़कर खींच लेती है और ऊपर एक बड़ी सी छिपकली गिरती है। शुची छिपकली देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये छिपकली मेरे ऊपर गिरती तो मैं तो मर ही जाती। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तू छिपकली से डरती है, और समय पर मेरी नजर पड़ गई, ऐसे मेरा मुंह जल गया है, प्लीज कुछ कर, रहा नहीं जा रहा है। शुची को अपने किए पर पछतावा होता है और भागकर सास को बर्फ देती है। ये लीजिए, इसे मुंह में रख लीजिए, और गलती तो वैसे आपकी भी है, चेक करना चाहिए था ना आपको कि पानी कितना गर्म है। अरे 7 साल हो गए तेरी शादी को, तब तो चेक नहीं किया, अब क्यों करूं? वाजी वाह, यहाँ भी मेरी ही गलती है, अरे इंसान हूँ, मशीन नहीं जो हमेशा सही रहूं। अच्छा, आज मैं दोपहर में सहेल के घर जा रही हूँ, अब इसे बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ, जाना, मैंने कब मना किया है? पता है नहीं किया, लेकिन बच्चे, हाँ हाँ, जैसे तू हमेशा बच्चों को साथ लेकर जाती है, मैं देख लूंगी ना। शुची तैयार होकर सहेली के घर जाती है। अरे वाह शुची, तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, तू ऐसे कपड़े पहन कर निकलती है तो तेरी सास कुछ नहीं कहती क्या? दूसरी सहेली बच्चा संभालते हुए कहती है। अरे सुची, सही है तू, इंजॉय भी कर लेती है लाइफ को, और बच्चा सास देख लेती है, तेरे तो मजे हैं भाई मजे। अरे मजे कैसे, जब वो बोलती है ना तो बड़ा ही कड़वा बोलती है, रहने दे। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ, डिनर भी तो बनाना है ना। शुची ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर देखती है कि माँ बच्चों के साथ खेल रही है। आ गई बेटा। आना ही था ना, खाना कौन बनाएगा, फिर रात होते ही सब चिल्लाने लगेंगे खाना खाना, और फिर सबको मौका मिल जाएगा ना मुझे कहने का कि मैं सही हूँ ही नहीं, खाना भी नहीं बनाती हूँ, और आप आप तो सबसे पहले बोलेंगी। अब सास को गुस्सा आ जाता है। एक तो सारा दिन तेरे बच्चों को देख रही थी, घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है, बच्चे घर गंदा करते हैं, उसे देखती हूँ, हद है, अब क्या खाने की जिम्मेदारी भी मैं ही ले लूं, तो करेगी तू क्या? शुची को ये सुनकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। बस माँ जी बस, अरे ये तो गुलामों वाली जिंदगी हो गई, कोई फ्रीडम रहा ही नहीं, ऐसा लगता है कि बंद कर रह गई हूँ, घर तो किसी कैद खाने सा हो गया है।
मन ही नहीं करता यहाँ रहने का। अब मैं और आप एक घर में रह ही नहीं सकते बस। अरे तो क्या मैंने बांध कर रखा है तुझे? अरे मैंने क्या कर दिया जिससे तुझे ऐसा लग रहा है? और तेरा इतना बोलने के बाद तो मैं खुद ही तेरे साथ नहीं रहना चाहूंगी। लेकिन अब सवाल था कि सासू माँ जाएंगी कहाँ, क्योंकि बहू तो मायके चली जाती है लेकिन सास कहाँ जाए। तभी क्षिति जा जाता है, उसे भी सारी बात का पता चलता है। वो माँ को समझाता है लेकिन वो मानती नहीं और ना ही शुचि मानने को तैयार। दोनों की लड़ाई में माँ का सामान पैक हो जाता है। माँ अब कहाँ जाएंगी? मैं भी अपने मायके जाऊंगी। माना मेरे माता पिता नहीं रहे लेकिन भाई भाभी से भी तो मायका होता है ना। और सास निकल जाती है मायके। बस फिर क्या था, शुचि सुबह सुबह गर्म पानी लेकर माँ के कमरे में जाती है लेकिन वहाँ माँ नहीं होती। हाँ, चलो अच्छा है, अब ये रोज रोज के काम से तो बची। ये कहकर वो कमरे में जाती है जहाँ अक्सर माँ बैठी रहती थी। कमरा खाली खाली लग रहा है। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। अरे सुचि, बहुत अच्छी सेल लगी है, कौड़ियों के दाम में ब्रांडेड कपड़े, जूते और बैग मिल रहे हैं, चलो ना चलते हैं। वाह रे वाह, ठीक है मैं आती हूँ, अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, सासू माँ भी नहीं है, अब तो मजे से घूमूंगी। अरे मजे से तो तू पहले भी घूमती थी, लेकिन सास नहीं है तो बच्चे कौन देखेगा? और तुझे तो पता है ना, मॉल्स में बच्चों की एंट्री बैन है कोरोना के कारण। अरे तो फिर कैसे आऊंगी मैं? सेल तो बस आज के लिए है, कल खत्म। शुचि को बड़ा रोना सता है। फिर वो जब दिन में खाना खाने बैठती है, वो भी अकेले अकेले। अकेले तो कोई खाना भी नहीं खाया जाता, मैं नहीं खा रही माँ की बिना। शाम को क्षिति जाता है तो शुचि जोर जोर से रोने लगती है। अब क्यों रो रही हो, क्या हुआ? माँ को घर से निकाल कर शांति अभी भी नहीं मिली तुम्हें? नहीं, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। ना कोई बताने वाला है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ना ही कोई समझने समझाने वाला। मैं माँ के बिना नहीं रह सकती, चलो माँ को ले आते हैं। अरे वाह, ऐसा शायद पहली बार होगा कि बहू रूठी सास को मायके से लेने जा रही है। दोनों सास को लेकर घर आते हैं और अगले दिन से फिर वही शुरू।